बेगूसराय पुलिस की चौकसी की वजह से अपराध की एक बड़ी वारदात होने से उस वक्त बच गई जब चेकिंग के दौरान 5 अपराधी को पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस, एक इन्वेस्टर कार और एक मोबाइल भी जब्त किया है। इनकी गिरफ्तारी उस समय वीरपुर इलाके में हुई जब व्यवसायी हत्याकांड के मामले में पुलिस वीरपुर में जाँच कर रही थी। बेगूसराय पुलिस ने 5 अपराधियों को एक देशी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस और एक टेम्परेचर के साथ गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी संदिग्ध अवस्था में हुई और पुलिस को लगता है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। इनकी गिरफ्तारी देखना पुलिस ने वीरपुर इलाके से की है। गिरफ्तार अपराधियों में बम बम राय, धनश्याम पासवान, उजालो गोस्वामी, रोशन सिंह, मोहन कुमार शामिल है। पुलिस को अंदेशा है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए एक साथ निकले थे, पर इससे पहले ही पुलिस ने 5 अपराधियों को धर दबोचा। हरे राम दास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय। दिनांक 28/5/19 को जो वीरपुर मार्केट में व्यवसायी के अपहरण की बात सामने आई थी, तो मेरे द्वारा सभी थानाध्यक्षों को बॉर्डर सीलिंग करने, अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग्स लगाने का निर्देश दिया गया था। और इसी एक चेकिंग पॉइंट पे तेगड़ा थानाध्यक्ष द्वारा एक एम्बेसडर कार से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक कट्टा, 12 जिंदा गोली और एक मोबाइल बरामद हुआ है। इन 5 के आपराधिक इतिहास अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ हम लोगों का, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी घटना जो कारित की जा सकती थी इन लोगों के द्वारा, उसको रोकने में सफलता मिली है। जो गिरफ्तारी हुई है वो वीरपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र है, लेकिन तेगड़ा थाना अध्यक्ष वो चेकिंग लगाए हुए थे और उनके द्वारा ये गिरफ्तारी। 5 वीरपुर के ही रहने वाले हैं और जैसा मैंने बताया अभी तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं।